हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल BBoard। चालू करते हैं आज के डेली एमसीक्यू। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू बी डैश मिलियन टन्स विच वुड बी 8% हायर देन 5 ईयर्स एवरेज एज पर द 2017-18 फाइनल एंड 2018-19 फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। 2017-18 अंतिम और 2018-19 एक अग्रिम अनुमान और बागवानी फसलों के उत्पादन के अनुसार कुल बागवानी उत्पादन कितने मिलियन टन है जो पिछले 5 वर्षों के औसत से 8% अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि करेक्ट आंसर है 311.7 मिलियन टन। 8% जो है हमारा टोटल हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा है, जो कि हो गया है 311.7 मिलियन टन। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर की एक अगर रिपोर्ट की बात करें, जो कि थी एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उसमें ये कहा गया था कि जो हमारी प्रोडक्शन है 2017-18 की फाइनल की और 2018-19 की, वो 311.7 मिलियन टन्स हो गई है और इसमें टोटल इंक्रीमेंट हुआ है 8% का। हॉर्टिकल्चर होता क्या है? कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल फ्लावर्स। तो ये होता है हॉर्टिकल्चर। आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मनोहर परिकार प्रेजेंटेड द एनुअल बजट ऑफ गोवा फॉर 2019-20 इन द असेंबली विद एन एनुअल बजट ऑफ 19,548.69 करोड़ इन 2019-20 विद एन इंक्रीज ऑफ -% ओवर प्रीवियस ईयर। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर परिकार ने पिछले साल की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि के साथ 2019-20 में 19,548.69 करोड़ की वार्षिक बजट के साथ विधानसभा में 2019-20 के लिए गोवा का वार्षिक बजट रखा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 14.16%। गोवा का एनुअल बजट है जो कि गोवा के चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर परिकार जी ने प्रेजेंट किया, इसमें इन्होंने जो एनुअल बजट है वो इंक्रीज हो गया है 19,548.69 करोड़ रुपीस, जो कि पिछले साल से 14.16% ज़्यादा है। गोवा की बात करें तो गोवा का जो कैपिटल है वो है पानाजी। यहाँ के सीएम तो यहीं पे लिखा हुआ है, कौन है? मनोहर परिकार जी। और अगर गवर्नर की बात करें तो वो है मृदुला सिन्हा जी। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टाइटल्ड लाइफ एंड लेगेसी ऑफ गुरु पद्म संभव हेल्ड टू मार्क द 50 ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लोमैटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड भूटान ऑन 29 और 30 जनवरी 2019 को भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की औपचारिकता को चिन्हित करने के लिए लाइफ एंड लेगेसी ऑफ गुरु पद्म संभव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंडिया और भूटान की 50 ईयर की जो डिप्लोमेटिक टाइज है उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम है लाइफ एंड लेगेसी ऑफ गुरु पद्म संभव। ये किस जगह पे हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, न्यू दिल्ली में। तो इंडिया और भूटान की 50 साल की डिप्लोमेटिक टाइज को सेलिब्रेट करने के लिए एक 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? सेंटर फॉर एस्केलेशन ऑफ पीस, और इसका जो टाइटल था वो था लाइफ एंड लेगेसी ऑफ गुरु पद्म संभव। और इसमें दोनों देशों के विद्वानों ने सम्मेलन में भाग की, कैसे ये जो गुरु थे वो इंडिया में उनका जन्म हुआ था और वो भूटान चले गए थे 8th सेंचुरी में, और वहाँ पे उन्होंने बुद्धिज्म को, बुद्धा जी की जो टीचिंग्स हैं उसे स्प्रेड किया। भूटान की बात करें तो भूटान के जो कैपिटल है वो क्या है? थिम्फू। यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं डॉक्टर लोतोय शेलिंग। 3 दिन की इंडिया की विजिट में आए थे जिसमें इंडिया ने भूटान को 4,500 करोड़ रुपीज़ का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया था। और अगर यहाँ की हम लोग करेंसी की बात करें तो ये है नगुल्ट्रम। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव द इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 प्रोजेक्ट 75 इंडिया सबमरीन्स अंडर द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल एट द कॉस्ट ऑफ डैश ऑन 31 जनवरी 2019। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 31 जनवरी 2019 को कितनी कीमत पर रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत 6 परियोजना 75 भारत पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 40,000 करोड़। DAC ने 6 सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल दे दी है जिसका टोटल कॉस्ट होगा 40,000 करोड़ रुपीज। तो DAC ने जिसको चेयर कर रही थी हमारे डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अप्रूव किया है कि 6 जो सबमरीन्स हैं उसको बनाने का अप्रूवल दे दिया है और इसका जो टोटल कॉस्ट होगा वो होगा 40,000
करोड़ रुपीज़। ये मेक इन इंडिया के अंदर ये सेकेंड प्रोजेक्ट है। अगर फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो ये थी 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो कि नेवी के लिए बनाया गया था और इसमें जो इसका जो टोटल कॉस्ट था वो था 21,000 करोड़ रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। नो इनकम टैक्स फॉर अर्निंग अप टू डैश रुपीज एज पर द इंटरम बजट फॉर 2019 प्रेजेंटेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल इन पार्लियामेंट ऑन February 1, 2019। 1 फरवरी 2019 को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत 2019 के अंतरिम बजट के अनुसार कितने रुपए तक की आय के लिए कोई आयकर नहीं है। हमें पता है कि अभी 1 फरवरी को पीयूष गोयल जी जिनके पास अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एडिशनल चार्ज है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उन्होंने इंटरम बजट को पेश किया है और इसमें जो इनकम टैक्स है वो कितने रुपए तक नहीं लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 लाख। और ये पता है ये इंटरम बजट है, ये पूरा बजट नहीं है। जब ये फिर से एक नई गवर्नमेंट बनेगी तो ये अपना पूरा लेके आएगी। अभी जितना टाइम है उसके लिए जो बजट आया उसे इंटरम बजट कहते हैं। अगर 5 लाख तक की आपकी अर्निंग है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी जो ग्रॉस इनकम है 6.5 लाख है तो भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कहाँ कहाँ पे, प्रोविडेंट फंड्स में या फिर इंश्योरेंस में। पीयूष गोयल जी की बात करें तो ये इनके पास तो वैसे ये हमारे रेल मिनिस्टर हैं, कोल मिनिस्टर हैं और इनके पास अरुण जेटली जी की तबीयत खराब होने के कारण दो और मिनिस्ट्री इनके पास आ गई है, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉरपोरेट मिनिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन फॉर सैलरीड पर्सन रेज्ड फ्रॉम 40,000 टू हाउ मच रुपीज एज पर द इंटरिम बजट फॉर 2019 प्रेजेंटेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत 2019 के अंतरिम बजट के अनुसार वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए मानक कर कटौती 40,000 रुपए से कितने तक बढ़ गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 50,000। जो पहले स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन जो एक सैलरीड पर्सन को मिलता था वो तो 40,000 रुपीज है ना, अब इसे 40,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया है। स्टैंडर्ड टैक्स मतलब जो छूट हम लोग को मिलती थी एक सैलरीड पर्सन को मेडिकल लगाने की या फिर ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसको अगर आप लगा देते थे तो 40,000 रुपीज तक की आपको छूट मिल जाती थी, लेकिन अब इसे इंटरिम बजट में 40,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया है। तो स्टैंडर्ड टैक्स रिडक्शन सैलरी पर्सन के लिए कितनी हो गई है, 40,000 से 50,000 रुपए हो गई है। आगे बढ़ते हैं। न्यू पेंशन स्कीम NPS हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10% टू व्हाट परसेंट विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2019 एज पर द इंटरिम बजट फॉर 2019 प्रेजेंटेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत 2019 के अंतरिम बजट के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से नई पेंशन योजना को 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 14%। जो न्यू पेंशन स्कीम है को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 14%। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ईज्ड आउट द ऑपरेशनल कर्व्स ऑन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड विच अदर बैंक एंड ऑल्सो अलाउ देम टू एग्जिट फ्रॉम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क फुली ऑन 1 फरवरी 2019। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कौन से अन्य बैंक पर परिचालन प्रतिबंधों में ढील दी और उन्हें प्रथम सुधारात्मक कार्रवाई PCA फ्रेमवर्क से पूरी तरह से बाहर निकलने की अनुमति दे दी है 1 फरवरी 2019 को। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कौन से वो तीन बैंक्स थे जिन्हें PCA से फ्री कर दिया गया है RBI ने, तो इसका आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो तीन बैंक जिन्हें PCA फ्रेमवर्क से फ्री कर दिया है वो कौन कौन से बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। 11 बैंक हैं जिनमें PCA लगा हुआ है और उसमें से ये तीन बैंक है जिन्हें फ्री कर दिया गया, तो अभी 8 बैंक हैं जिन पे अभी भी PCA लगा हुआ है। गवर्नमेंट के कैपिटल इन्फ्यूजन्स के कारण ये सारे बैंक जो हैं इस फ्रेमवर्क से बाहर आ पाए हैं। तो ये देख लेते हैं कैपिटल इन्फ्यूजन कितना कितना किया गवर्नमेंट ने। बैंक ऑफ इंडिया में किया है 10,000 करोड़ रुपीज, 5,500 करोड़ रुपीज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में और 4,500 करोड़ रुपीज बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिवाइज्ड द GDP growth forecast to what percent from earlier estimate of 6.7% on 31st January 2019. तो ये हमने देख लिया, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 3, 7.2। तो CSO ने 2018-2019 की जो GDP ग्रोथ है वो फोरकास्ट की है 7.2, ठीक है। और अगर दूसरी बात करें तो
CSO ने हमने देख लिया है कि 2018-2019 में बोला है 7.2%, वर्ल्ड बैंक, ADB और IMF की बात करें तो इन्होंने बोला है 7.3%, RBI और UN ने बोला है 7.4%। CSO के साथ साथ कौन कौन है, क्रिसिल और इंडिया रेटिंग, इन्होंने भी बोला है कि जो 2018-2019 की जो GDP है वो 7.2% होगी। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, 30 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में ग्लोबल पब्लिक हेल्थ केयर क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए किसे मिनिस्टर स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जी ने उन्हें सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजीव नाथ जी को। तो राजीव नाथ जी को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में उनके योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। राजीव नाथ जी को मेंबर ऑन बोर्ड्स ऑफ नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल में भी अपॉइंट किया गया है और इसे अपॉइंट किसने किया है, DIPP ने। कल DIPP को हम लोगों ने पढ़ा था कि DIPP की जगह इसका जो है वो नेम चेंज होके हो गया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पोस्ट नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपसे हमारे कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो।